गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम रूबरू करेंगे फियर के अंडर कुछ। फियर, डर, बहुत तरह के डर हमारी रेपर्टरीज में लिखे हुए हैं। किसी चीज का भय, किसी चीज का डर, कुछ हो जाने का डर, कुछ कर देने का डर, इस तरह बहुत ही सारे फियर्स हैं। आज हम कुछ अलग तरह के फियर्स, जो डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला फियर है फियर ओल्ड ऑफ गेटिंग। ओल्ड होता है बूढ़े हो जाना। जब एज बढ़ने लग जाती है तो बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो इस पेशेंट को डर रहता है, फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड, कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। एज के साथ रिलेटेड है कि कहीं मैं इतना ज्यादा बूढ़ा ना हो जाऊं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊं, या मेरे पास जो कुछ है वो खत्म ना हो जाए, या मेरी जो शक्ल सूरत है वो बदल ना जाए, मुझे लोग देखे ना। इस तरह से फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड, बूढ़े हो जाने का डर। चार मेडिसिंस हैं, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, सीपिया एंड मार्बल लाइमस्टोन। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाने से बहुत वीक हो जाती है, थोड़ा सा पेशेंट गिरा, हल्का सा बोन टूट गई। बच्चों में भी ये कंडीशंस आती हैं कि बच्चे जो दूध वगैरह नहीं पीते या जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो उनकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं और जैसे ही हल्का सा गिरे बोन टूट जाती है। कई बार तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जी ये 10 साल का है और 4 बार इसकी बोन टूट गई है। That is all because of osteoporosis. तो यहां पर इस रूब्रिक के अकॉर्डिंगली फियर ऑफ osteoporosis, पेशेंट को डर लगता है कि कहीं मेरी हड्डियां कमजोर ना हो जाएं, कहीं वो टूट रह जाए, बहुत ब्रिटल हो जाती है, बहुत वीक बोन्स हो जाती हैं। तो ये हो जाने का डर। इस रूब्रिक में हमारे पास सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज कैल्केरिया का। बहुत बार इस्तेमाल की है ये मेडिसिन, इसी अकेली एक ही मेडिसिन है। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर नोज कट ऑफ ऑफ हैविंग द, मतलब फियर ऑफ हैविंग द नोज कट ऑफ, नाक के कट जाने का डर। नाक कटना किसको कहते हैं? किसी की बेइज्जती हो जाना, अक्सर कह देते हैं ना, उसने तो नाक ही काट दी या नाक ही कटवा ली अपनी ये काम करके, तो ये भी वही नाक का कटना है। इस पेशेंट को डर रहता है कि अगर मैं ये काम करूंगा कहीं मेरी नाक ना कट जाए, या मेरे बच्चे मेरी नाक ना कटवा दे, या कोई घर वाला मेरी नाक ना कटवा दे। हमेशा इसको नाक के कट जाने का डर रहता है। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज आर्सेनिक एल्बम। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर मेकिंग मिस्टेक्स। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने से डर लगना कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने से डर लगना, ये बच्चों में भी हो सकता है, ये बड़ों में भी हो सकता है। या तो फेलियर का डर होता है, या लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा गलतियां हो जाएंगी। इस रूब्रिक में हमारे पास 6 मेडिसिन्स हैं, कोकासी, लैक
एसिड लैक एच, वेनिला, क्रोटेलस सी एंड कोबाल्ट, ये 6 मेडिसिंस हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। वैसे तो एंटीसिपेटरी फियर में बड़े ऐसे रूब्रिक्स हैं, तो यहां पर मेन रूब्रिक आ गया मेडिकल एग्जामिनेशन। जब किसी ने कोई बीमारी पता करनी हो तो उनका मेडिकल टेस्ट होता है, या कभी कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तब भी मेडिकल टेस्ट होते हैं, और जब किसी ने कोई बाहर किसी देश जाना हो तब भी मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो ये एग्जामिनेशन करवाने से डर लगना, मेडिकल एग्जामिनेशन स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि डॉक्टर के साथ रिलेटेड है, बॉडी के साथ रिलेटेड है, पेशेंट को डर लगता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में कहीं कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए जो ठीक ना हो, जो अच्छी ना हो, या कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए, तो मेडिकल एग्जामिनेशन से डर लगता है। इस रूब्रिक में 5 मेडिसिंस हैं, एंटमटाट, फॉस्फोरस, पल्सटिला, सेनिकुला, ट्यूबरकुलिनम। हमारे पास लाइट डिज़ायर एंड लाइट शंस जैसे रूब्रिक है, जिनमें पेशेंट लाइट शंस में टेस्ट नहीं करवाना चाहता कि नहीं मैंने नहीं करवाने, मुझे नहीं पता करना कि मुझे क्या बीमारी है। लेकिन यहाँ पर फियर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन है, डर है। वहाँ पर भी उसके मन में डर हो सकता है लाइट शंस में कि नहीं 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 मुझे मुझे नहीं, मैंने नहीं देखने अपने टेस्ट, मेरे से दूर ले जाओ इनको। सो उसी तरह का ये है फियर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।